नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी फ़ोटो के ऊपर से जो सिग्नेचर मार्क रहता है या सिग्नेचर का जो दाग रहता है उसे हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे। फ़िलहाल आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है। यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए सिग्नेचर किया हुआ। इस मार्क को हम लोग फोटोशॉप में कैसे हटाते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका दिखाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा, जिससे कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, वो लोग भी फ़ोटो से मार्क, सिग्नेचर मार्क हटा सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। मैं जो एडोबी फोटोशॉप 7.0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको तरीका पता है, प्रोसेस पता है, तो आप फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एडोबी फोटोशॉप को ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब जिस फ़ोटो को जो मैंने स्कैन करके, यहाँ पे एक फ़ोटो रखा हुआ है, देख सकते हैं ये फ़ोटो है जो मैंने आपको दिखाया, उस फ़ोटो को लेकर आते हैं, ओपन करते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ओपन हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ये फ़ोटो ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो फ़ोटो है, सबसे पहले तो ये जो बाकी जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो अननेसेसरी पार्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसे पहले हटाएंगे, फिर फाइनल फ़ोटो से ये सिग्नेचर का मार्क हम लोग हटाएंगे। तो सबसे पहले फ़ोटो को ये टूल बॉक्स में चले जाइए और ये जो टूल आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, उस पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो को जो अननेसेसरी पार्ट है, जैसे ये बाहर का हिस्सा, ये सब हमें नहीं चाहिए, तो फ़ोटो को यहाँ से लेकर हम लोग इसे फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह फ़ोटो को हम लोग अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा कम और ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा लगता है नहीं इधर का सिलेक्शन थोड़ा कम हो गया है, तो सिलेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट में जाइए, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में क्लिक कीजिए, हल्का सा इसे बढ़ा दीजिए, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया सिलेक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन मूव टूल पे, यहाँ पे ये जो मूव टूल है उस पर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो फोटो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन हो गया, ये सब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। तो क्या करेंगे, सिलेक्शन के बाद हम लोग यहाँ से एडिट में जाएंगे, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कॉपी कर लिया इस फ़ोटो को। उसके बाद इस फ़ोटो को जो नहीं चाहिए आपको, तो इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं या क्लोज़ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद फाइल में जाएंगे, उसके बाद एक पेज लेते हैं, यहाँ पे न्यू में जाते हैं, न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम दे दीजिए। उसके बाद प्रीसेट साइज़, आप यहाँ से जो आपका साइज़ है, फ़िलहाल हम लोग 640x480 का ले रहे हैं, ये कर दिया मैंने। रिजोल्यूशन रहने दीजिए। फाइनल जब आउटपुट निकालेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे कंटेंट में वाइट रखा है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये एक अलग सा पेज यहाँ पे देखिए खुल के आ गया। अब क्या करेंगे, जो कॉपी किया था फ़ोटो को, उसे हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो एडिट में जाइए, उसके बाद इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यह देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ गया, लेकिन देखिए फ़ोटो कितना बड़ा दिख रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा रिसाइज यानी स्केलिंग कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, या तो आप एडिट में जाइए, उसके बाद यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म है, यहाँ कंट्रोल टी करके भी इसे रिसाइजिंग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरवाइज दूसरा तरीका है, ये मूव टूल पे क्लिक कर दीजिएगा और इसको ऑन रखिएगा। सो बाउंडिंग बॉक्स को ऑन रखेंगे तो डॉटेड लाइन यहाँ पे एक छोटा सा आपको कॉर्नर पोर्शन में आपको छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा, उस पर आप अगर उसके द्वारा ड्रैग कीजिएगा तो फोटो आप स्केलिंग कर सकते हैं। तो जब स्केलिंग करना होता है तो याद रखिएगा, जैसे ही आप इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पोर्शन में, तो एक आप लॉक नुमा, एक आपको चेन नुमा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा, जब आप स्केलिंग कीजिएगा तो फोटो में कुछ चेंजेस, कभी कभी क्या होता है, जब आप स्केलिंग करते हैं तो फोटो थोड़ा सा, चेहरा अगर किसी का चौड़ा है तो लंबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा स्केलिंग करते वक्त, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको ऑन कर देने से क्या होगा, इक्वली हिसाब से फ़ोटो को आप स्केलिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका सिग्नेचर मार्क मैं आपको हटा के दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे आ गया, देख लीजिए फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये पोर्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर मार्क दिया है, अब इसे हम लोग हटाना है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर देंगे, जब स्केलिंग हो जाएगा तो अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो फ़ोटो अपने पेज में लाने के बाद अब क्या करेंगे, ये मार्क हमें हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसे जूम टूल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे है, यहाँ प्लस का
साइन है ऊपर में, जूम टूल का प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए फिट ऑन स्क्रीन है, एक प्रिंट साइज़ है, एक्चुअल पिक्सल कर देंगे, यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर दिया। और थोड़ा सा इस पोर्शन को हम लोग जूम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जूम हो गया। अब क्या करेंगे, करने के बाद उसके बाद आपको मूव टूल पर क्लिक कर देना है। अब इसे हम लोग ये मार्क को हटाना है, तो सिंपल और आसान तरीका है, आप टूल बॉक्स में जाइए और ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल है, एक पैटर्न स्टैम्प टूल के साथ ही रहता है ये, तो क्लोन स्टैम्प टूल पे आप क्लिक करना होगा। ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक कर दिया। अब देखिए कितना बड़ा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रश का साइज दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे ऊपर देखेंगे यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी बार शो करेगा। तो यहाँ पे ब्रश है जो है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए डाउन बटन पे, और यहाँ पे ये जो 21 है 27 है, ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का आता है तो ये चूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल मैंने 21 चूज़ कर लिया ये वाला ब्रश। उसके बाद बाहर क्लिक कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर देखिए ओपेसिटी है, अब देखिए यहाँ पर ओपेसिटी 100 रखिए। अब क्या करेंगे, अब जिस जो पोर्शन में देखिए सिग्नेचर नहीं है, जैसे ये पोर्शन में सिग्नेचर नहीं है, अब वहाँ पे माउस पॉइंटर रखेंगे और ऑल्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे ऑल्ट प्लस माउस का लेफ़्ट क्लिक, ध्यान से देखिएगा, जब आपको स्टैम्प क्लोनिंग करना होता है तो ऑल्ट प्लस माउस का लेफ़्ट क्लिक करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इस खाली पोर्शन पर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और ये हो गया क्लोन, उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक और रिलीज़ कर दूंगा। अब जिस पोर्शन पे सिग्नेचर है वहाँ पे मैं हल्का सा ऐसे क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, देखिए ये जो सिग्नेचर का मार्क यहाँ से चला गया, देख लीजिए। फिर अगेन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया, माउस का लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद हल्का सा ऐसे क्लिक करते जाइए, देखिए मार्क वहाँ से चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए मार्क यहाँ से चला जा रहा है, आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, ये मार्क चला जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मार्क है तो फिर ऑल्ट क्लिक किया, माउस का लेफ़्ट क्लिक, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आप क्लिक भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, हल्का हल्का उसे रब भी कर सकते हैं, फिर ऑल्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिए। ये देखिए सिग्नेचर का मार्क यहाँ से चला जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से, फिर ऑल्ट फिर माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए यहाँ से मार्क इसका चला जा रहा है। फिर यहाँ पर ऑल्ट प्रेस किया, इस खाली जगह पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये मार्क यहाँ से चला जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से। फिर ऑल्ट प्रेस किया, माउस का लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद यहाँ से मैं मार्क इसे ऐसे करके रिमूव कर दे रहा हूँ। आप इसे ऐसा ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसा करके आप इसे इस तरह अगर ये कीजिएगा थोड़ा सा, फिर ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, फिर आके यहाँ पे इस तरह मैं ऐसे ड्रैग कर दे रहा हूँ, ये देखिए, फिर ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये पोर्शन पर ये देखिए वाइट हो जा रहा। तो यहाँ पर एडिट में जाके आप एडिट का यहाँ पर जाके स्टेप बैकवर्ड कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देखिए ऐसे ये पोर्शन रह गया, यहाँ पर रखते हैं ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, अब यहाँ पे आके इसे इस तरह ड्रैग कर दिया, ये देखिए पोर्शन चला गया। अब हल्का सा देखिए यहाँ पे टाई के पास भी है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे रखा हूँ मैं ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये यहाँ से कॉपी हो गया, ये ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ का पोर्शन का देखिए हमेशा सिग्नेचर मार्क चला गया। अब यहाँ पर ये पोर्शन रह गया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो सफ़ेद वाला पोर्शन है ऑल्ट प्रेस करेंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक और हल्का सा यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ से देखिए सिग्नेचर मार्क चला जा रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए सिग्नेचर मार्क चला गया। अभी देखिए यहाँ पे भी सिग्नेचर मार्क है तो इसको भी हटाएंगे हम लोग। तो आप यहाँ पे ऑल्ट कीजिए, यहाँ पे ऑल्ट खाली जगह पे माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हैं ड्रेस के इस पोर्शन पे और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। क्लिक करने से बेहतर है आप इस तरह ड्रैग कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये मार्क यहाँ से चला जाएगा शर्ट का, जो सिग्नेचर का मार्क है ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा गलती होगा, एडिट में जाइए स्टेप बैकवर्ड कर दीजिएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ का पोर्शन देखिए हो गया ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे रह गया सिग्नेचर, फिर टाई के ऊपर भी रह गया है, इसको भी हटा के मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर भी करना है, अगेन यहाँ पर रखता हूँ ऑल्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक, ये देखिए यहाँ से सिग्नेचर मार्क थोड़ा वो जहाँ रह जाता है हल्का सा उसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। क्लिक करने से बेहतर आप उसे ड्रैग करना होगा थोड़ा सा हल्का सा, इससे घस देने से क्या होगा उसका मार्क यहाँ से चला जाएगा, देखिए यहाँ से चला गया, ये मार्क चला गया, देख लीजिए। इसको थोड़ा सा अगेन इसको जूम करके जूम आउट कर देते हैं, ये देखिए ये पोर्शन का देखिए यहाँ पे सिग्नेचर का मार्क यहाँ पे चला गया। उसके बाद हल्का सा आपको क्या करना है, अब ये जैसे टाई का पोर्शन इसे भी मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा समय लगता है इसमें,
ये मैं जूम कर देता हूँ, टाई पे भी थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ये देखिए जूम टूल का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा सा जूम कर दिया। ये देखिए यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का सिग्नेचर का मार्क। अब इस पोर्शन से हमें क्लोनिंग करना है, तो क्या करेंगे, अगेन क्लोन टूल पे क्लिक करेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑल प्रेस करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक और हल्का सा ऐसे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए टाई का पोर्शन का ये देखिए चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ, अगेन यहाँ पे ऑल्ट माउस का लेफ्ट क्लिक, हल्का सा ऐसे ड्रैग कर दिया। ये देखिए यहाँ का चला गया, यहाँ पे भी है, ये देखिए एट में गया। स्टेप बैकवर्ड कर देते हैं, जो थोड़ा सा गलती हो जाए तो अगेन यहाँ प्रेस करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ज़्यादा बड़ा अगर ब्रश हो जाता है तो यहाँ से ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जहाँ जिस जगह पर आपको बारीकी से करना है तो यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करते हैं। देखिए इस जगह पर जैसे यहाँ पर ऑल्ट माउस का लेफ्ट क्लिक, अब यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाइटनेस यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे यहाँ पे अगेन एट में जाते हैं, स्टेप बैकवर्ड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर, इसको भी ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये देखिए ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी हम ऐसे एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड कर देते हैं और ये देखिए, ये देखिए का सा इसको ड्रैग कर देते हैं। चाय का पोर्शन ठीक हो गया, देख लीजिए यहाँ पे अब थोड़ा सा ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीनिश जगह है, तो यहाँ पे ऑल प्रेस करते हैं और हल्का सा यहाँ पे ये देखिए यहाँ से टाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑल प्रेस किया, ये हल्का सा यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए ठीक हो गया, ये देखिए हल्का सा, ये देखिए ठीक हो गया। ये पोर्शन देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे जूम टूल पे क्लिक किया, यहाँ फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए फोटो से देखिए टाई का मार्क भी चला गया, ये पोर्शन भी चला गया। अब जो थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन रह गया है, जैसे मान लेते हैं ये थोड़ा सा वाइटनेस के साथ ये दिख रहा है, तो हल्का सा यहाँ पर ब्लर टूल है, ब्लर टूल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 65 दिया हुआ स्ट्रेंथ, यहाँ पर देखिए ज़्यादा ब्लर नहीं कीजिएगा, कम से कम हल्का सा 40 रखिए, हल्का सा इस पर ऐसे ये कर दीजिए तो इसे पता नहीं चलेगा, जो आपका इसके साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो पोर्शन है हल्का सा देखिए यहाँ पे वाइट, आपको यहाँ पे लाइट लाइट ग्रीन भी दिखाई दे रहा है साइड में, सिंपली ये जो टूल है इस पर क्लिक कीजिए, फ़ोटो को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छी तरह से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे के फ़ोटो को, फिर बाद में हम लोग इसे बॉर्डर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ईजिली बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट अगर गलती हो जाए डिसलेक्ट कर देते हैं। अब इस फ़ोटो को यहाँ से ठीक अंदर से इसको सिर्फ इसका लाइन से थोड़ा सा बाहर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इधर थोड़ा सा ये सिलेक्ट हो गया, इधर थोड़ा सा ये सिलेक्ट हो गया, ये ऊपर ब्लैक के ऊपर चला गया लाइन। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाएंगे और हल्का सा इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं नीचे, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं ब्लैक लाइन से थोड़ा सा ऊपर। हाँ ये सिलेक्ट हो गया, इधर भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इधर भी देख लिया, सब जगह देख लिया। ठीक है, उसके बाद अगेन मूव टूल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर दिया, उसके बाद एडिट में जाइए, इसे यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी कर दिया, कॉपी हो गया। हो जाने के बाद इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब फाइनल पेज में आते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। अब जिस साइज़ का भी आपको निकालना है, तो यहाँ प्रीसेट साइज लेते हैं, 4:6 का पेज लिया मैंने, यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 अगर प्रिंट आउट करना है, अगर लैब में निकालना है तो RGB रखें, रेजोल्यूशन 300 रखें। उसके बाद यहाँ कंटेंट वाइट वाइट ओके कर देते हैं, उसके बाद एडिट में जाते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट यहाँ पे देखिए फ़ोटो यहाँ पे मेरा आ गया, देख सकते हैं, ये देखिए 4:6 का ये फ़ोटो, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको लगता है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अप्लाई कर दिया, ये फ़ोटो हो गया, देख सकते हैं सब सिग्नेचर मार्क वगैरह टाई वगैरह से सब कुछ हट गया। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा करना है तो क्या करेंगे, इसके बाद इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ से देखिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ब्राइटनेस हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ओके कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक बॉर्डर देते हैं, तो यहाँ पर एडिट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक में जाइए, जाने के बाद स्ट्रोक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे विड्थ देखिए 8 पिक्सल है, यहाँ से 4 कर देते हैं, मिनिमल 4 ठीक लगेगा। कलर यहाँ पे क्लिक करके, जनरली क्या होता है ब्लैक रहता है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक करके इसे ब्लैक कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ आउटसाइड इस पर ओके कर देते हैं, देखिए हल्का सा देखिए इसमें बॉर्डर आ गया, और ज़्यादा लगता है बॉर्डर चाहिए एडिट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, ज़्यादा बॉर्डर ठीक नहीं है पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 8 कर देते हैं, 8 कर दिया पिक्सल, ओके। देखिए अब ठीक हो गया, देखिए इसको
उसके बाद इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये आपका फाइनल आउटपुट फ़ोटो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया, सिग्नेचर भी यहाँ से चला गया, देख सकते हैं ये वाला, देख लीजिए। अब जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ वो फ़ोटो। फाइल में जाते हैं, इसे ओपन करते हैं, ये वाला फ़ोटो था, ध्यान से देखिए ये फ़ोटो था जिसमें ये सिग्नेचर था, देखिए इस जगह पे सिग्नेचर था, देखिए यहाँ से सिग्नेचर पूरा का पूरा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, पूरा का पूरा सिग्नेचर, ये फ़ोटो था ये वाला। और इसको मैंने इस तरह बॉर्डर वगैरह देके सुंदर सा इसे अच्छी तरह से ऐसा फाइनल फिनिशिंग दे दिया। और भी इसको अगर अच्छा करना है, इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ पर देखिए लेवल्स है, लेवल्स में भी क्लिक करके थोड़ा सा इसका लेवल वगैरह अगर बढ़ाना है, आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा लग रहा, देखिए इस तरह लेवल इसका बढ़ जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये वाला हैंडल है, थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर दीजिए और थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ये देखिए, ज़्यादा नहीं कीजिए, ये देखिए ठीक हो गया, ओके कर देते हैं। ये देखिए फाइनल आउटपुट फ़ोटो मेरा तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि 4-6 का पेज में निकालना है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फ़ोटो इतना रखते हैं, ये फ़ोटो सही हो गया, ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सिग्नेचर का जो मार्क है, जो आपका दाग है, वो हम लोग कैसे हटाते हैं फ़ोटो से। और भी कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मार्क हटाने के, तो ये मैंने सिंपल सा आसान सा तरीका आपको दिखाया, इसमें थोड़ा समय लगता है फिनिशिंग करने में। और भी कुछ जानना चाहते हैं फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।